नमस्कार लाइव खबर के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य मुकेश और आज हम जानेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए नव वर्ष 2019। राशि अनुसार 2019 में किन किन राशि के जातकों को मिलेगी अच्छी सफलता और कौन सी राशि के जातकों के हाथ रह जाएंगे खाली, आइए जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में मेष राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया है। स्थानांतरण के योग भी हैं, पदोन्नति के योग हैं, लेकिन अकस्मात धन की हानि हो सकती है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले सचेत रहना आपके लिए जरूरी है। प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन और आपके लिए लव मैरिज का अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया 2019 में रहने वाला है। आपके लिए धार्मिक स्थलों में यात्रा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना आपके लिए इस वर्ष में बहुत शुभदायी फल देने वाले हैं। महाशिव का रुद्राभिषेक आपके लिए 2019 में शुभकारी होगा। वृषभ राशि, आपके लिए यह वर्ष सामान्य या आप निम्न मान सकते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र में विपरीत असर पड़ेगा। व्यापार में आप असंतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां रहेंगी, जैसे कि अपच, गैस इत्यादि, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ के सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश करें। कारोबार की तरफ से आपका जो 2019 रहेगा सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। बृहस्पतिवार के दिन घी दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, आपके लिए यह वर्ष सामान्य ही है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा है, मेहनत करने के बाद सफलता मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा शुभ रहेगा। अध्यात्म की ओर सिंह राशि वाले जातक ज़्यादा रुचि देने वाले हैं 2019 में। इसके साथ साथ में आपका जो पारिवारिक संबंध होंगे वो बहुत ही प्रेम पूर्वक चलने वाले हैं। आयु में वृद्धि होगी और छोटी मोटी यात्राओं के आपके योग 2019 में लगातार बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप करना होगा। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कन्या राशि वालों के लिए 2019 सामान्य रहेगा। पारिवारिक क्लेश से बचें। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर नहीं है, उसमें सावधानियां रखने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास करना आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। गाय को प्रत्येक गुरुवार के दिन रोटी खिलाना। तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी से संबंधित यात्राओं के योग बने हुए हैं। देश विदेश के यात्राएं, बिजनेस से रिलेटेड और
नौकरी से संबंधित करने पड़ सकते हैं। शत्रु पक्ष आप पे हावी हो सकता है, इसलिए शत्रु पक्ष से सावधानियां बरतें। चने की दाल और हल्दी आपको दान करना है किसी गरीब किसी मजदूर को। इनका भाग्य का सितारा चमकना तय है। 2017 में कार्य क्षेत्र में भी इनके नए नए काम बनेंगे और नए ही लोगों से संबंध बनेंगे। पारिवारिक संबंध आपके स्नेहपूर्ण रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी आपका सुखमय रहेगा। गुरु का बीज मंत्र का जाप प्रत्येक गुरुवार के सुबह और सायंकालीन पे आपको जपना होगा। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। धनराशि के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन के समय आपका अनुकूल है। आर्थिक मामलों में आपको किसी प्रकार का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें। धनुराशि वालों के लिए पुखराज रत्न को धारण करना होगा, सोने की अंगूठी में, वो तर्जनी अंगूठी में, तर्जनी अंगूठी में धारण करना होगा। इससे आपका जो है कार्य क्षेत्र, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या हेल्थ का सब चीज़ों में सुधार होने के पूरे आसार बने हुए हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफ़ी फलदायी रहेगा। मकर राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, इसलिए विदेश से संबंधित यात्राएं आपकी बनी रहेंगी। कार्य क्षेत्र भी अगर आपका विदेश से बाहर या आपके अपने क्षेत्र से बाहर हो तो आपके लिए बहुत सुफल रहेगा। साथ साथ आपके धार्मिक यात्राओं के योग प्रबल बने हुए हैं। माथे पर केसर का तिलक और पीले रंग का रुमाल रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति लगन में बैठा विराजमान है और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो धर्मेश भागेश में बैठी हुई है। इससे आपके जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी बन सकती हैं, इसलिए अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और इसके साथ साथ आपका जो बृहस्पति की जो नवम दृष्टि आपके नवे घर में पड़ रही है, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बन सकती है, अध्यात्म से आप जुड़ सकते हैं, आपको गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। आपके लिए यह वर्ष सामान्य ही रहेगा। जॉब या व्यवसाय की वजह से स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। माता जी का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। घर पर गुरु मंत्र को स्थापित करें और नित्य उसकी आराधना करें। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।